हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे। आज आप लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्रों में से कुछ केंद्र बचे हुए हैं, उनको आप पढ़ेंगे जानेंगे। देखिए, पहले से मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख कर रखी हूँ ताकि छोटे से वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो देखिए, बिल्ला सरंगम की गुफाएं। देखिए, बिल्ला सरंगम की गुफाएं कहाँ पहले कहाँ थी? बिल्ला सरंगम की गुफाएं पहले थी तमिलनाडु में, पहले तमिलनाडु में थी, तमिलनाडु में पहले थी, अब नहीं है। पहले वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ से कम चीज़ें मिली हैं, कम चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वहाँ से सिर्फ स्थान का नाम पूछा जा सकता है और उनसे जो जो ज़्यादा रिलेटेड है, जैसे पूछ लेगा बिल्ला सरंगम की गुफाओं का संबंध किस काल से है, तो आप कहेंगे प्रागैतिहासिक काल से है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पहले ये तमिलनाडु में थी, वर्तमान में ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से चित्र कैसे प्राप्त हुए हैं? चित्र जादू, टोना, टोटका। या इसको ऐसे भी कह सकता है, जादू, जादू के विश्वास के चित्र, जादू के विश्वास के चित्र, विश्वास के चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दक्षिण भारत के बिल्ला सरंगम गुफा से प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं, वहाँ से यही संभावना बनती है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, पहले आप लोग ये समझ कर पढ़ा करिए कि क्या आ सकता है, फालतू उल जलूल। जैसे लोग परेशान हैं, जैसे मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम यहाँ पर ये कैसे होगा, यहाँ पर ये क्या होगा। अरे आप लोग ये समझिए कि यहाँ हुआ तो क्यों हुआ, यहाँ होना चाहिए था क्या, और क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या अन्य बुकों में लिख दिया गया है, या आप लोग गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि गलत पढ़ेंगे तो बहुत परेशानी क्रिएट होगी, इसलिए सही पढ़िए। देखिए रायचूर, देखिए रायचूर का बहुत संबंध नहीं है, लेकिन रायचूर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? देखिए कैसे, इसकी खोज इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ से कुछ और ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं। तो खोज इसकी किसने की थी? 1955 ईस्वी में किसने की थी? श्रीमती ऑलचिन ने की थी। इसकी खोज हो गया श्री एवं श्रीमती ऑलचिन ने की थी। यहाँ के चित्रों को रायचूर की बात हो रही है। देखिए रायपुर अलग है, रायचूर अलग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ के चित्रों को इन्होंने मतलब श्री एवं श्रीमती ऑलचिन ने 3000 ईसा पूर्व का बताया है, 3000 ईसा पूर्व का बताया है। और यह सभी क्या है? नवपाषाण कालीन स्थल है।
यहाँ से देखिए, जब कुछ ज्यादा मिला ही नहीं है तो क्वेश्चन बनने की संभावना यहीं से दिखाई देती है। अगला है, अगली गुफा है आपकी वाई नॉर्ड के एडकल की गुफा, वाई नॉर्ड के एडकल की गुफा। तो यहाँ से वाई नॉर्ड के एडकल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं आने हैं। तो देखिए क्या आने हैं, आप देखिए उसको, वाई नॉर्ड के एडकल। तो वाई नॉर्ड के एडकल की गुफा कहाँ है? यहाँ पर ये 1901 में, इसकी खोज 1901 में खोज है ये, खोज 1901 में किसने की है? एफ फॉसेट ने, उन्नीस सौ एक में इसकी खोज की है। और ये गुफाएं केरल में है, वाई नॉट के एडिकल की गुफाएं खोज 1901 ईस्वी में एफ फॉसेट ने की। ये गुफाएं कहाँ है? केरल में है। और यहाँ से भी वही चीजें हैं, जादू टोना टोटका के चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ से भी जादू टोना टोटका के चित्र प्राप्त होते हैं। और एक चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, सिर पर टोपी पहने मनुष्य, सिर पर टोपी पहने मनुष्य, यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है सिर पर टोपी पहने मनुष्य, कहाँ से? वाई नॉर्ड के एडकल की गुफा से, वाई नॉर्ड के एडकल की गुफा से कौन सा चित्र है? सिर पर टोपी पहने हुए मनुष्य। वाई नॉर्ड के एडकल की खोज किसने की है? 1901 में एफ फॉसेट ने की है। यह गुफाएं कहाँ है? केरला में है, केरल में है। देखिए जहाँ से ज़्यादा चीज़ें मैं बार बार कर रही हूँ, जहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली वो यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था बेलारी, तो मुझे एक उसमें छूट गई एक चीज़ मेरी, वो ये थी कि बेलारी गुफा की समानता स्पेन की गुफा कोगुल से की गई है। स्पेन की गुफा कोगुल से की गई है, ये आपके यहाँ पर दक्षिण भारत के प्रमुख केंद्र यहीं पर खत्म हो गए हैं। अब अगले वीडियो में हम आपको भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की और भारतीय कला की कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु होते हैं, जो तत्व होते हैं, मैं उनको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आपका एक पूरा चैप्टर प्रागैतिहासिक काल का खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में उनसे रिलेटेड जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो थोड़े से कन्फ्यूजन वाले हैं, जो लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, उसको मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूंगी कि ये क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा तो ऑप्शन ऐसे होगा। देखिए कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं और उसको अपनी तर्क बुद्धि से ही आपको सॉल्व करना होता है। बाकी जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो आपको सही से पढ़ के आंसर देना होता है। तो दो तरीके से आपको आंसर करना होता है। 90% आपका जो आप डेली का जो पढ़ते हैं, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम देते हैं, और जो 10% होता है वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं जो कि सभी लोग उसको नहीं ख़त्म करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सारे कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगी, आप देखेंगे, स्वयं देखेंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छा लगता है, शेयर करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मेरा भी मनोबल बढ़ाइए और मैं भी सोचूं कि भी बहुत अच्छा करूं ताकि आप लोगों को सफलता मिले। जो बच्चे बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं आ पाते हैं, ऑफलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए यह सुविधा बहुत अच्छी है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो वो इस नंबर पर संपर्क करके पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ऊपर दिया हुआ है और वह पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं यूपी के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी। इच्छुक विद्यार्थी फोन करके अपना जो है बात कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और एक बात, जो नेट जेआरएफ की बात हो रही है कि बच्चे नेट जेआरएफ के लिए परेशान हैं, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए। मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर जेआरएफ की तैयारी करा लेती हूँ और करा दूंगी मैं।